एम्स की स्थापना इलाहाबाद में क्यों नहीं हो सकती? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा सवाल सरकार से। प्रधानमंत्री रोजगार सुरक्षा योजना के दूसरे चरण में एम्स जैसी संस्था खोलने के लिए रायबरेली के लालगंज को जिस तरह से चयनित किया उस पर माननीय उच्च न्यायालय ने नाराजगी भी जताई है और इसको क्षेत्रीय विषमता को बढ़ाने वाला भी बताया है। एम्स वाले मामले पे कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन किया? राधा रमन अग्रवाल जी द्वारा दाखिल जनहित याचिका के जरिए गोरखपुर में एम्स की स्थापना का सवाल उठाया गया था ताकि उसके इर्द गिर्द के 16 वो जिले जिसमें पिछले 30 साल से जापानी इंसेफ्लाइटिस से हजारों बच्चों की मौतें हो रही और संक्रामक बीमारियों का दौर चल रहा है उसके लिए समुचित व्यवस्था की जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं में क्षेत्रीय विषमता दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने एम्स जैसी संस्था पूरे देश में फैलाने की योजना बनाई थी। हम लोगों ने रायबरेली में एम्स जैसी संस्था के खोले जाने का विरोध इस आधार पर किया कि रायबरेली लखनऊ के बहुत निकट है और वहाँ पे SGPGI और KG मेडिकल कॉलेज जैसी बड़ी स्वास्थ्य सेवाएं की संस्थाएं आधुनिक सुविधाओं के साथ लैस है, लेकिन गोरखपुर और इलाहाबाद के इर्द गिर्द इलाहाबाद के पास में पूरा का पूरा बुंदेलखंड झांसी तक और गोरखपुर में सिद्धार्थ नगर से आजमगढ़ तक मामूली बीमारियों में लोगों की मौतें हो रही हैं और माननीय उच्च न्यायालय का भी यह ऑब्जर्वेशन था कि क्षेत्रीय विषमता दूर करने के प्रयास में अगर रायबरेली बनाया जाएगा तो इससे क्षेत्रीय विषमता बढ़ने का मसला उठेगा और इसीलिए केंद्र सरकार को माननीय मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अमिताभ लाला और जस्टिस PS बघेल साहब की खंडपीठ ने 11 सितंबर तक का समय दिया है कि वे बताएं कि इलाहाबाद और गोरखपुर में इस तरह की संस्था खोलने के बारे में और आधारभूत स्वास्थ्य संरचना को आम आदमी को मुहैया कराने के बारे में उनकी क्या योजना है। मैं KK राय और मेरे साथ राजेश्वर सिंह इस उच्च जनहित याचिका में प्रस्तुत हुए थे।